कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे राज्य केरल में अब निपाह वायरस की भी एंट्री हो गई है। राज्य में निपाह वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद आनन फानन में केरल ने भी तकनीकी सहायता के लिए अपनी एक टीम को केरल रवाना कर दिया है। ये टीम आज ही केरल पहुंच जाएगी। कोझिकोड जिले में 3 सितंबर को निपाह वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया था, जिससे 12 वर्षीय एक बच्चे में इंसेफ्लाइटिस और मायोकार्डिक्स के लक्षण पाए गए थे। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह उसकी मौत हो गई। पहले स्वास्थ्य विभाग को संदेह था कि ये निपाह से संक्रमित है, लेकिन अब संक्रमण की पुष्टि के बाद बच्चे की मौत ने डरा दिया है। केंद्र सरकार ने तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की एक टीम को राज्य में भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने शनिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि राज्य सरकार ने निपाह के संदिग्ध संक्रमण की सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की। क्वारंटीन किया गया बच्चों का परिवार और इलाज में शामिल लोग। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा लड़के के सभी 3 सैंपल निपाह वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। मंत्री ने कहा कि लड़के को कुछ दिनों पहले तेज बुखार की शिकायत के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुरू में उसके दिमागी बुखार से पीड़ित होने का संदेह था, लेकिन बाद में सैंपल को आगे के टेस्ट के लिए NIV ले जाया गया। उन्होंने कहा कि लड़के के सभी रिश्तेदारों और उसके इलाज में शामिल सभी लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। अधिकारियों ने लड़के से जुड़े कुल 30 लोगों को निगरानी में रखा है और 17 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि वायरस चमगादड़ों से फैला है, जैसा कि पहले हुआ था। केंद्र की ओर से दिए गए ये 4 बड़े सुझाव। केंद्र सरकार की ओर से तत्काल 4 बड़े कदम उठाने का भी सुझाव दिया गया है। इसमें परिवार, गांव, खासतौर पर मल्लापुरम में सक्रिय मामलों की खोज, बीते 12 दिनों में बच्चे के संपर्क में आए लोगों की एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, संपर्क में आए लोगों को कड़े क्वारंटाइन में रखना और अन्य संदिग्धों को भी आइसोलेशन में रखना है। जाँच के लिए सैंपल टेस्टिंग और उनसे लैब तक पहुँचाने को जरूरी बताया गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।